भगवान कौन है, तो उसके लिए मूलाचार में 1006 श्लोक में कहा, गाथा में कहा है, भिक्कम बक्कम हीयम साधिये जो चरदी निच जो साहू, ऐसो सुद विद साहू भड़ियो जिन शासनो भयवम। भिक्कम मन जो आहार की जो शुद्धि, और बक्कम माने वचन शुद्धि, और हियम माने जो है मन शुद्धि, और साधी जो चरदी निच सो साहू, इन जो है तीनों प्रकार की जो शुद्धि को जो है रखते हुए सदा क्या करते हैं, चरदी निच्चम च साहू, जो जो चारित्र का निच्चम मन सदा ही क्या करते हैं साधु जो है पालन करता है, और जे जिन शासन ऐसो शुद्ध विद ऐसे जो विशेष ज्ञान के धारी हैं, ऐसे जो है जिन शासनों साहू बड़ियो भवगन, जिन शासन में जो जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है, ऐसे जिन शासन में ऐसे साधु को क्या कहा गया है, भगवान संज्ञा दी गई है। अतः ऐसे महामुनिराज क्या चलते फिरते भगवान है, इसलिए कहा जाता है भैया साधु जन क्या है, चलते फिरते भगवान है, और जो चलते फिरते भगवान की भक्ति आराधना कर लेता है तो बोले उसके जो है निश्चित ही जो है कर्मों का जो क्षय होता है, विशुद्धि आदि बढ़ती है। बोले सामान जो हम जो है मंदिर में भगवान है, ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, लेकिन जो साक्षात रूप में जो है साधु संत हैं तो हाँ, तो उनके लिए सबसे पहले यदि वो आ जाते हैं तो हमें जो है भगवान की पूजा आपसे भी एक जो है बाद में कर लें या छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो है साधु की सेवा, साधु के आहार, साधु के विहार आदि भैया भक्ति में जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से श्रावक अच्छे श्रावक होते हैं वो यही करते हैं, बोले वो पूजा कर पाए या ना कर पाए, पूजा कर पाए या ना कर, अबसे पूजा अबसे कर पाए या ना कर पाए, लेकिन यदि कोई साधु आ गया, साधु आ गए मानो बड़ा साधु आ रहे तो साधु को लेने चले गए, साधु जा रहे हैं छोड़ने चले गए, और आहार पानी आदि में व्यवस्था कर गई है तो भैया आरती, तो ये सब क्या है, ये क्योंकि चलते फिरते भगवान हैं, और ऐसे बहुत बिरले ही श्रावक होते हैं, क्या होते हैं ऐसे बिरले ही श्रावक होते हैं कि जो साधु आए उनको लेने चले गए, वो गए तो उनको छोड़ने चले गए, और यदि आहार की बेला है तो जो है आहार, और यही कारण है कि जो है अन्य जो है परंपरा में और जैन धर्म में भी यही कहा, बोले जो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और उस नमोकार मंत्र में बोले पंच परमेष्ठी को नमस्कार किए गए, और उन पंच परमेष्ठी नमस्कार में बोले कहते हैं वैसे तो पंच हमारे सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, लेकिन हम उनको हम जो सब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धाणम उसके बाद सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, जो है उनकी इच्छा होती है, शंका हो सकती है कि बताइए सिद्ध भगवान बड़े हैं लेकिन पहले जो हम अरहंतों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, तो बोले अरहंतों को नमस्कार सिद्ध भगवान बड़े हैं क्योंकि मैं आठों कर्मों को नष्ट कर दिया, सितारे विराजमान हो गए, लेकिन अरहंतों को नमस्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरहंत भगवान हमारे साक्षात गुरु हैं, हमारा उपकार करने वाले हैं, हमें मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, क्या करने वाले हैं मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, इसलिए जो हमारे जो परम उपकारी हैं उपकारी को पहले नमस्कार किया गया। और वैष्णो मत में भी ये पंक्ति आती है कि गुरु गोविंद दो कड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया, तो वहाँ पर भी ये कहेगा कि आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं,
तो सबसे पहले किसको नमस्कार करोगी? गुरु को। है गुरु को? गुरु को लेकिन गुरु आ गया तो नहीं ऐसा, गुरु आया खड़े नहीं होते। ज्यादातर धर्मों में गुरु को ही मतलब, देखो हर धर्म में तो है लेकिन जैन धर्म में लोग पढ़ते तो है, मंदिर में पढ़ते तो है लेकिन जो है उसको वो करते नहीं है, फॉलो नहीं करते, बहुत विरले ही लोग करते हैं। गुरु आ रहे हैं मतलब बिल्कुल खड़े हो जाओ, बोले आप मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं तो अगर गुरु महाराज आ गए तो उस समय हमें उनकी जो पूजा रोक दो और खड़े होकर के क्या करना चाहिए, नमस्कार आदि करना चाहिए, उनको सम्मान या उनको उच्च स्थान देना चाहिए। क्यों? आपने स्थापना करी थी किस चीज़ करी थी? पूजा। स्थापना करी थी किस चीज़ करी थी? स्थापना मन पूजा करते हैं उसकी, तो स्थापना किन किन की करी थी? देवसाज गुरु करी थी। हम जो है जीवन भर जो है देवसाज गुरु की स्थापना करते हैं। अभी देव आते हैं क्या? जिनवाणी आती क्या? नहीं आती। और मान ली कभी कभार पुण्य का आपका तीव्र उदय हो गया और गुरु आ गए, मतलब जो जीवन भर से बुलाते आ रहे थे वो एक बार पुण्य का उदय हो गया, गुरु आ गए और हमने क्या किया? जब स्थापना करते तो क्या करते हैं, उनको बिठा देते हैं, तो चावल के रूप में तो बिठा दिया लेकिन साक्षात उनको नहीं कर पाए, तो ये हमारी जो कमी होती है होना ये चाहिए कि हमारे गुरुजन आ गए हैं तुरंत उठ करके इनको जो है प्रणाम नमस्कार कर देना चाहिए, उनको चार देना, उसके बाद जो अपनी जो है पूजा, तो इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत दोष लग जाएगा, पूजा खंडित हो जाएगी, ऐसा कुछ भी होता है। नहीं होता है, ये हमारा गुरुओं का अनुमान है। तो इस प्रकार पूजा कर रहे तो और इसलिए देखिए जब पूजा कर रहे तो खंड के जाते भाव कबू कबू कहूंगे तो। और दूसरी देखो एक और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये हमारे आचार्य कुंद महाराज जो है हमारे प्राचीन इतने महान आचार्य हैं जिन्हें उनको भला जो है कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है भगवान उनको, तो ऐसे वह कह रहे हैं कि बोले साधु कौन है, बोले जो अपनी आहार की शुद्धि, वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि रखते हैं और सदा चारित्र का पालन करते हैं, ऐसे जो है जो साधु होते हैं उनको जिन शासन में भगवान संज्ञा दी गई, चलते फिरते जो है तीरथ होते हैं, इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। और भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?